और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। नीलोखेड़ी से धनपाल गोंदर ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। हरियाणा में जल्द राष्ट्रीय शासन लागू हो, इस तरह की मांग नेता विपक्ष उपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी कर दी गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, हरियाणा में बीजेपी सरकार को यह एक बड़ा झटका है। चुनावी माहौल के बीच 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। नीलोखेड़ी से धनपाल गोंदर ने भी समर्थन दे दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है हरियाणा सरकार को लेकर के, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि नेता विपक्ष हरियाणा उपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रीय शासन की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। निर्दलीय विधायक हैं ये, और इन तमाम स्थितियों के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि अब बीजेपी अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जल्द विधानसभा भी करवा दी जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सबसे अहम खबर इस वक्त हरियाणा की सियासत से ये बड़ी खबर है। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हो रही है, जल्द विधानसभा चुनाव करने की बात हो रही है। यह अहम जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हरियाणा की सियासत में एक बड़ा उलटफेर की तरफ इशारा करने वाली यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हमारे साथ विनोद लांबा जुड़ रहे हैं, डिप्टी एडिटर जी हरियाणा। विनोद, किस तरीके से देखे इस घटनाक्रम को, 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन को? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा झटका है सरकार को और बीजेपी को, इस तरह से देखना होगा। 3 विधायकों का समर्थन देना, दादरी से सुखबीर सागवान, पुंडरी से अंजीर रोलर, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, तीन समर्थन। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार घटक दलों में से बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है और सरकार अब कहीं ना कहीं निर्दलियों के सहारे चल रही होती। पिछला फ्लोर टेस्ट हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं जो फ्लोर टेस्ट में ये जो नंबर्स का गेम था, इसमें जो निर्दलीय विधायक काफी महत्वपूर्ण थे। हालांकि सरकार गिरना इस समय संभव नहीं लगता, क्योंकि 6 महीने का जो नियम है वो नजर आता है, आचार संहिता भी है, और 6 महीने के अंदर दूसरा फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कह रहे हैं कि जिस तरह नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी की जो सरकार है अल्पमत में है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, वो कह रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रीय शासन लागू हो और जल्द विधानसभा चुनाव भी कराए जाए। विपक्ष का काम है, और विपक्ष जिस तरह से नंबर गणित में सरकार को उलझा रही है और सरकार उलझी भी है, 3 विधायकों का इस तरह से समर्थन दे देना नंबर गेम में कहीं ना कहीं बैक एक तरह से झटका है भाजपा के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसका जो मैसेज है, ये महत्वपूर्ण आप समझिए कि सरकार टेक्निकल ग्राउंड पर जल्दी अभी दोबारा विश्वास मत साबित करने के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 6 महीने का वक्त होता है एक बहुमत साबित करने में। उस दौरान मनोहर लाल का इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री का, उस दौरान बहुमत फ्लोर पर साबित किया जा चुका है। लेकिन उससे अलग जो चुनावी गणित है और चुनाव के समय माहौल की बात होती है, उस लिहाज से भी और नंबरों की बात की जाए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार सरकार से सवाल अब पूछेंगे कि जब नंबर नहीं है तो फिर बीजेपी सरकार में सत्ताने क्यों बनी हुई है हरियाणा में। ठीक है, अब ये चूंकि माहौल चुनावी है, जो आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि शायद नियम के तौर पर यह संभव नहीं है कि अभी बहुत जल्द सरकार पर कोई वैसा संकट है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन की बात है, क्या ये एक्सप्रेशन बड़ा असर डाल सकता है मौजूदा चुनावी समीकरण पर, माहौल पर? देखिए, मैसेज तो दिया है कांग्रेस ने और 3 निर्दलीय विधायकों को, जो अब तक सरकार के साथ खड़े थे, 4.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जेजेपी से इतर भी अगर देखा जाए तो निर्दलीय विधायकों का लगातार नंबर में नाम आता था और भाजपा नंबर दिखाती भी, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो या राष्ट्रपति चुनाव की बात हो, उस दौरान ये नंबर तमाम सरकार के कार्य आए थे और काम आए थे और नंबर गणित में बार बार भाजपा कहती थी। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बीच में सरकार को सपोर्ट करने वाले निर्दलीय विधायकों को अपने मंच पर साथ ला के उनसे सपोर्ट की, कांग्रेस को समर्थन की अपील करवा कर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक ब्लो देने का, एक झटका देने का काम जरूर किया है। अच्छा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो क्या
ये एक बयान या दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर इस स्टेटमेंट को देखें विनोद, किया क्योंकि अगर तो फ्लोर टेस्ट की बात हुई तो फिर तो राज्यपाल का भी हस्तक्षेप होगा, क्या ऐसी कोई इनकी तरफ से रणनीति है क्या? देखिए अभी तक देखना होगा कि विपक्ष किस दम तक इस चीज को उठाता है। उन्होंने अल्पमत की सरकार जरूर बताया है, नंबर गणित में बीजेपी को जरूर उलझाया है, लेकिन जिस तरह से मैं नियम की बात कर रहा हूँ, मैं अब ये विपक्ष के रुख पर निर्भर करता है कि किस तरह का नियम के हिसाब से। तो जो पिछला घटनाक्रम हमको याद है वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि जब मनोहर लाल का इस्तीफा हुआ, जब चेंज ऑफ फेस हुआ हरियाणा में, जब नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली प्रदेश की, तो छह महीने में वो बाई चुनाव भी हो रहा है और जो नंबर गणित है वो भी कम हो चुका। सिर्फ इतना ही नहीं, रंजीत सिंह